बिहार जिले के धर्मपुरी में नर्मदा की छोटी धारा स्थित नाले में सैकड़ों मछलियों की मौत हो गई, जिसके बाद नर्मदा किनारे रह रहे रहवासियों में हड़कंप मच गया। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में मछलियों के मरने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। नगर परिषद अमले ने पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। रहवासियों ने बताया कि शीतला माता घाट के पास नाले में नगर का गंदा पानी आता है, आज देखा तो यहाँ बड़ी संख्या में मछलियाँ मृतक अवस्था में पड़ी हुई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि या तो तापमान के कारण ऐसा हुआ या ऑक्सीजन की कमी के चलते मछलियों की मौत हुई है। खैर जो भी हो, सैंपल की जांच के बाद ही खुलासा होगा कि आखिरकार मछलियों की मौत क्यों हुई। धर्मपुरी से सोनू मीणा के साथ गोलू पटेल की रिपोर्ट। स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, मैंने देखा कि मछलियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में मरी हुई थी, तो मैंने समाज के वरिष्ठ को सूचना की कि यहाँ पर ये मछलियाँ बहुत मरी हुई है। नगर का जो पानी इस नाले में आता है छोटी धारा में, बहुत ज़्यादा गंदा पानी आता है, उसी कारण ये इतनी संख्या में मृत्यु हुई है। भाई इतने सालों से गंदा पानी आ रहा, अभी तक तो मछलियों की मौत का मामला सामने नहीं आया। इसी कारण हर साल आता है, पिछले साल भी आया था, इसकी सूचना नगर पालिका में भी दी थी पहले। हाँ पिछले साल की बात है, पहले इतनी नहीं थी लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा है संख्या। कुछ समाज के वरिष्ठ व्यक्ति वगैरह आए थे, हमने देखा और पता चला है कि मछलियाँ ज़्यादा स्तर पर मरी पड़ी हुई किनारों पर लगी हुई है। तो हमें ये पता लगा, मतलब ज्ञान हुआ है कि तापमान बढ़ने के कारण और प्लस गंदा पानी और ऑक्सीजन की कमी के कारण इनकी मौत हो सकती है। ये हमारा पर्सनल मतलब समाज का कहना है कि इसके कारण ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा और गंदा पानी धर्मपुरी का बहुत ज़्यादा आने के कारण मौत हुई है। और कुछ निरीक्षण करने आए थे हमारे थाने से TI साहब, निरीक्षण करके कुछ बोला उन्होंने? हाँ कुछ नहीं बोला, वो चले गए निरीक्षण।